हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने पत्ता रखा हुआ है। ये जो पत्ता है, आप में से कई सारे लोग जानते हैं ये पत्ता कौन सा है। ये जूट लीफ है और इसी का रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, मतलब पाट का साग, इसका फ्राई रेसिपी मैं बनाऊँगी आज। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पत्ते को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। सबसे पहले देखिए, कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल डाला है। ये रेसिपी जो है ये सरसों के ऑयल में ही अच्छे से बनता है, तो कोशिश कीजिए सरसों के ऑयल में इसे बनाने के लिए। और मैंने डाला है 2 सूखी लाल मिर्च। इस टाइम पे आप स्लिट किया हुआ 2 ग्रीन चिली भी साथ में डाल सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ग्रीन चिली ऐड कीजिएगा। अभी मैंने फोरन में सारे साग को डाल दिया है जो अच्छे से हमने वॉश करके रखा था। अभी 5 से 7 मिनट ऐसे ही लीड लगा के इसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख देंगे हम। अभी देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। अभी मैंने लीड को उठा लिया है। देखिए साग में से पानी निकलना शुरू हो गया है और इसी में ये कुक होता रहेगा। अलग से पानी डालने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। और जब ये बिल्कुल पक जाएगा तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। ये जो स्लिपरी सा आपको दिख रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से कुक हो जाएगा। अभी फिर से हमें इसको ढक के पका लेना है लगभग 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ। देखिए पानी ज़्यादातर सूख गया है। फिर से 2 से 3 मिनट इसको पकने देना है लीड लगा के। ऐसे ही बार बार हमें इसको थोड़ी देर चला लेना है, फिर लीड लगा के कुक होने के लिए रख देना है। देखिए साग हमारा लगभग बन के रेडी हो गया है। अभी मैं सर्विंग प्लेटर में इसको निकाल लेती हूँ। गैस को मैंने ऑफ कर लिया है। देखिए स्लिपरी जो दिख रहा था वो बिल्कुल नहीं है, ये ड्राई हो गया है और पत्ता अच्छे से कुक हो गया है। अभी गर्मा गर्म राइस के साथ मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और ऐसे नए नए रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेसिपी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म राइस के साथ ये डिश, थोड़ा सा घी के साथ आप सर्व कीजिए। मेरा दावा है आपको ज़रूर ये अच्छा लगेगा।